फ्रेंड कैसे हैं? उम्मीद हूँ बिल्कुल ठीक। उम्मीद हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड के कौन से हिस्से होते हैं और इनको इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने वीडियो के ऊपर टाइपिंग के भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा टाइपिंग भी कि इसके ऊपर कैसे की जाती है और आप अपनी 10 दिन के अंदर अपनी टाइपिंग को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इसके क्या क्या हिस्से हैं और कौन कौन से हिस्से हैं और इनके नाम क्या हैं, ठीक है, और इनका यूज़ कैसे हमने करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो ए से लेकर जो यहाँ पे जेड तक जो जितने यहाँ पे जो जेड तक वर्ड हैं या जितने भी ये सारे वर्ड हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहते हैं। जितने भी कीज़ हैं इनको अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये नीचे कीज़ आ जाते हैं, ये जो चार कीज़ हैं इनको हम एरो कीज़ कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो कीज़ हैं इनको हम न्यूमेरिक कीज़ भी कहते हैं और ये नंबर पैड के इनको कहा जा सकता है, ठीक है। इनको हम नंबर पैड भी कहते हैं और ये हमारे न्यूमेरिक कीज भी हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ये हमारे ये वाले जो हमारे कीज़ हैं इनको हम नेविगेशन कीज़ कहते हैं, ये हमारे नेविगेशन कीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारे पास ये तीन बटन आते हैं, इनका अपना ही यूज़ है, ठीक है। और इनको इन जो इनके ऊपर नाम लिखे हैं हम उनको उन नामों से ही इनको जानते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाले कीज़ आते हैं, ठीक है, ये हमारे फंक्शन कीज़ हैं, इनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये एक फंक्शन के तौर पे सिस्टम के अंदर काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बटन लास्ट वाला है, इसको हम स्कैप जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसको हम स्कैप्शन भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारी स्कैप्शन की है। उसके बाद हमारा ये टैब बटन है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कैप्स लॉक, ठीक है। अगर हम छोटी अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं तो उसको बड़ी अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं तो हम इसको कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो ये बड़ी इंग्लिश में लिखना शुरू कर देगा। उसके बाद हमारे पास ये शिफ्ट बटन है, ठीक है। तो शिफ्ट बटन अगर कोई एक लफ्ज़ बड़ा लिखना है हमने तो हम शिफ्ट बटन से भी इसको लिख सकते हैं। इसके और भी यूज़ हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इसका क्या क्या यूज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कंट्रोल है, उसके बाद ये विंडो बटन है, ये एक स्टार्ट मेन्यू के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसको हम एक स्टार्ट मेन्यू भी इससे हम खोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा विन बटन है, उसको विंडो बटन भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास ये ऑल्ट है, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह हमारे पास इंटर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये बैक स्पेस बटन है, ठीक है। बैक स्पेस का मतलब हम किसी भी चीज़ को बैक करना है, ठीक है, बैक स्पेस करना है तो हम इस आसन से बैक स्पेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल बने तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।